जो आज भी गुरबत वाले महीनों में एक महीना है और मुहर्रम भी गुरबत वाले महीनों में महीना है, तो या हमारा साल ख़त्म भी होता है तो गुरबत वाले महीने में, और जब शुरू होता है वो भी गुरबत वाले महीने से। जो आया मुबारक मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, इसमें परवरदिगार आलम ने इसी हकीकत की तरफ इशारा करके फरमाया, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक इतना अशर अशारा बारह है। अल्लाह के नज़दीक जो महीने हैं वो बारह हैं, जो मुहर्रम से शुरू होते हैं ज़ुलहज पे ख़त्म हो जाते हैं। और खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, मिन्हा अरबअतुल हुरुम, इनकी गिनती बारह है, इनमें से चार हुरमत वाले हैं। किस दिन से हुरमत वाले? इन्ना इत्तत शुहूर इंदल्ला इत्ना अशर शहरन की किताब इल्लाह, अल्लाह की किताब में, यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन से जमीन और आसमान पैदा किए गए, परवरदिगार आलम ने अपनी किताब में इन महीनों को लिख दिया है। मिन्हा अरबअतुन हुरुम, जिनमें से चार हुरमत वाले हैं, और वो चार कौन कौन से? तीन मुसलसल आते हैं और एक आगे जाके वो मुसलसल आने वाले तीन सिफादा, ज़ुलहज और मुहर्रम, ये तीनों मुसलसल आ रहे हैं, और चौथा हुरमत वाला रजब है। खालिक़े कायनात फरमा रहे हैं कि इन बारह में से ये चार हुरमत वाले हैं। मिन्हा अरबअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है, यही मजबूत दीन है। फला तज़लिमू फीहिन्ना अन्फुसकुम, इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न किया करो। यहाँ जुल्म से मुराद गुनाह है। कुरान हकीम में जानों पर जुल्म अक्सर गुनाह के मानों में इस्तेमाल होता है, और गुनाह करना यही जुल्म है जो बंदा अपनी जान पे करता है। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, चार हुरमत वाले हैं, इनका एहतराम लाजम है। अहले जाहिलियत में भी लोग इन महीनों का एहतराम करते थे। अहले अरब अहले जाहिलियत में अपनी मर्जी से महीनों को आगे पीछे कर देते थे, क्योंकि बहुत सारे इस्लामी अहकाम इस्लामी महीनों के साथ वाबस्ता है। अगर महीनों की गिनती या हुरमत वाले महीनों को आगे पीछे कर दिया जाए तो बहुत से इस्लामी अहकाम में भी तब्दीली आ जाती है। इसलिए खालिक़े कायनात ने बाकायदा आयत नाज़िल फरमा के बता दिया, जिन्हें हमने हुरमत वाला बना दिया ये क़यामत तक हुरमत वाले रहेंगे, इनका एहतराम किया जाएगा। उन हुरमत वाले महीनों में हमारा साल जिस महीने पर ख़त्म होता है ज़ुलहज, वो भी हुरमत वाला, और जिस महीने से शुरू होता है मुहर्रम, ये भी हुरमत वाला। इससे हमें एक सबक दिया गया कि तुम्हारे इस्लामी साल का आखिरी महीना भी हुरमत वाला और इस्लामी साल का पहला महीना भी हुरमत वाला, अगर तुम इनका एहतराम करोगे और अपने आप को गुनाहों से बचाओगे और इन महीनों में कसरत के साथ अमाल सालिहा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी करने की कोशिश करोगे। जो दरमियान में बाकी दस महीने गुजर रहे हैं, अल्लाह इनकी बरकत से तुम्हें वहाँ भी देखने की तौफीक अता फरमा देगा, गुनाहों से बचा देगा। इस्लामी साल का ये पहला महीना मुहर्रम, इसका माना ही हुरमत वाला, अदब वाला, एहतराम वाला, जिसका एहतराम शुरू से चला आ रहा है, और हमें भी इसके एहतराम का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, इसकी कई खसूसियात हैं। पहली खसूसियत ये, पहली फजीलत ये कि हमारा साल हिजरी है, और हिजरी साल का आगाज़ मुहर्रम के महीने से होता है। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी फजीलत ये है कि परवरदिगार आलम ने इसको मुहर्रम के उस महीने से शुरू किया जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक महीनों में इंतहाई इज्जत वाला महीना है। मुहर्रम का माना ही हुरमत वाला और एहतराम वाला है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
यही अहादीस में इसकी फजीलत को बयान फरमाया। चंद अहादीस इस हवाले से मैंने लिखी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते सरकार से पूछा गया नमाजों में सबसे बेहतरीन नमाज कौन सी है और रोज़ों में सबसे बेहतरीन रोज़ा कौन सा है। जब ये सवाल सरकार से पूछा गया, बाबू करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लु सलात अफ़ज़लु फ़रीदतु सलातु लैल, फर्ज नमाजों के बाद जो पांच फर्ज नमाजें हैं, इन फर्ज नमाजों के बाद सबसे बेहतरीन नमाज रात की नमाज है, जिसको सलातु लैल कहा जाता है। रात की नमाज, रात के किसी वक्त की अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, या रात के पिछले पैर नमाज तहज्जुद अदा करने की तौफीक अता फरमा दे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज करार दे दिया है। और इसी हदीस में सरकार ने इरशाद फरमाया, वा अफ़ज़लु सियामि बादा रमज़ान शहरुल मुहर्रम, रमजान मुबारक के फर्ज रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह रब्बुल इज्जत के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। महीने सारे अल्लाह के हैं, लेकिन इस हदीस में ये मुहर्रम की खसूसियत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको शहरुल्लाह फरमाया है, अल्लाह का महीना। तो इरशाद फरमाया फर्ज रोजों के बाद नफली रोजों में सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। अफजल नमाज रात की नमाज और नफली रोजों में अफजल तरीन रोजे माह मुहर्रम के हैं। दूसरी हदीस में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वैसे तो सारा महीने की उम्मत वाला है, दस मुहर्रम जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, ये इस महीने का बड़ी बरकत वाला दिन है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन को, पहली हदीस में इस महीने को अल्लाह का महीना कहा, और इस हदीस में सरकार ने आशूरा के दिन को अल्लाह का दिन कहा है। इरशाद फरमाया इन्ना आशूरा यौम मिन अय्यामिल्लाह, आशूरे का दिन, दस मुहर्रम का दिन, सरकार इरशाद फरमाते अल्लाह के दिनों में से एक दिन है। और आपने इरशाद फरमाया फमन शाह फसामा फमन शाह अदरका, जब तक रमजान मुबारक के रोजे फर्ज नहीं हुए सरकार हमेशा दस मुहर्रम का रोजा रखते, यही दो रोजे नौ और दस के फर्ज नहीं थे। जब रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हुए, इनकी फर्जियत खत्म हो गई, सरकार ने फर्जियत तो खत्म करवा दी, लेकिन जो गुरबत है वो बाकी है, जो फजीलत और बरकत है वो बाकी है। सरकार ने इरशाद फरमाया अब रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हो गए हैं, अब आशूरे के दिन का रोजा मन शाह फसामा व मन शाह फतरक, जो चाहे वो रोजा रख ले, जो चाहे वो छोड़ दे। नफली रोजा है, अगर कोई रख सकता है तो रख ले, और अगर कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन जब तक रमजान मुबारक के रोजे फर्ज नहीं हुए थे, नौ और दस का रोजा फर्ज था। ये दो रोजे सरकार भी रखते हैं, सरकार के सहाबा गुलाम भी रखते थे। जब रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हुए, आपने उम्मत को रुख्सत और इजाजत अता फरमा दी कि अब जो चाहे रोजा रखे और जो चाहे छोड़ दे। और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो सरकार ने देखा कि अहले मदीना जो मदीना के यहूदी थे वो दस मुहर्रम का रोजा रखते थे। ये दिन शुरू से मुबारक और बाबरकत चला रहा है। जब सरकार ने देखा कि दस मुहर्रम का रोजा रखते हैं, हजरत अब्दुल्लाह के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार ने पूछा मा हाज़ा यौमुन लज़ी कुंतुम तसूमून फ़ीह, ये कौन सा दिन है जिसमें तुम रोजा रखते हो। उन्होंने अर्ज की कि ये वो दिन है, एक हदीस में आता है उनका इन्नहु यौमुन अज़ीम, ये बड़ी अज़मत वाला दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। और आगे कहने लगे अन्तल्लाहु फ़ीहि मूसा व क़ौमहु फ़सामहु मूसा शुक्रन व नहनु नसूम, ये वो अज़मत वाला दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरऔन से निजात अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रिये के तौर पर रोज़ा रखा, यहूदी कहने लगे हम भी उसी शुक्रिये के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो ये वो मुबारक दिन है जिस दिन हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फ़िरऔन जैसे दुश्मन से निजात अता फरमाई।
इसलिए हम इसका रोजा रखते हैं। और दूसरी रवायत के अनुसार है वनाखनो नसूमहु ताज़िम बताओ, हम 10 मुहर्रम का रोजा इसकी ताज़ीम के तौर पर रखते हैं, यह दिन अज़मत वाला है, इसलिए हम इसका रोजा रखते हैं। जब सरकार ने यह सुना आपने इरशाद फरमाया वनाखनो औला व अहक बिल मूसा मिनकुम फसामो, सरकार ने इरशाद फरमाया मूसा अलैहि सलाम रसूल और नबी होने की हैसियत से हमारे भाई हैं, अगर तुम इस वजह से रोजा रखते हो तो हम ज्यादा हकदार हैं कि हम इस दिन का रोजा रखें। सरकार ने खुद भी रोजा रखा और अपने गुलामों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। अब यह कि यहूदी सिर्फ 10वीं बार का रोजा रखते हैं, हमें शरीयत ने यह हुक्म दिया तो एक दिन का रोजा न रखो, एक दिन का रखोगे तो यहूदियों के साथ मुशाफत हो जाएगी, अपने आप को यहूदियों से मुमताज और अलग करने के लिए तुम दो दिन का रोजा रखो, 9 और 10 दोनों का रखो या 10 और 11 का रखो, ताकि यहूदियों के साथ मुशाफत ना हो। ये फर्जी रोजा नहीं नकली है, अगर कोई रख सकता है तो जरूर रखे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रखा भी है और सरकार ने इसकी अजमत और फजीलत को बयान भी फरमाया है। तो पता चला ये महीना शुरू से एहतराम वाला चला रहा है और इसकी 10वीं तारीख हमेशा से बड़ी बाबरकत और बड़ी अजमत वाली है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी शान और अजमत को बाकी रखने के लिए खुद भी रोजा रखा, अपने गुलामों से रोजा रखवाया और अपनी उम्मत के लिए अपना एक नमूना सुन्नत के तौर पर छोड़ा है। तो मुहर्रम गुरबत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है और गुरबत वाले महीनों के बारे में कुरान ने यह कहा फला तज़लिमु फीहिन्ना अन्फुसकुम, इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। गुनाह हमेशा गुनाह है, नहुसत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से दूरी का सबब बनते हैं, लेकिन गुरबत वाले महीनों में गुनाह करने की नहुसत ज्यादा हो जाती है, इसलिए गुरबत वाले महीनों की नाकदरी गुनाह करने में नाकदरी पाई जाती है। अगर कोई किसी रात गुनाह करे तो बड़ा गुनाहगार मुजरिम है, लेकिन लैलतुल कदर की रात गुनाह करेगा तो ज्यादा मुजरिम होगा, इसलिए कि उस रात की इज्जत और हुर्मत को पामाल किया। साल के किसी दिन किसी महीने में गुनाह करो, गुनाह गुनाह ही है, अल्लाह की रहमत से दूरी का जरिया बनता है, लेकिन गुरबत वाले महीनों में गुनाह करना ये ज्यादा नहुसत का बायस बन जाता है, इसलिए कि इसने बाबरकत महीनों और बाबरकत अंजाम की ताकत दी है। इसलिए हमें चाहिए कि बाकी साल बाकी दिनों में भी अपने आप को नेकियों का आदि बनाएं, गुनाहों से बचने की कोशिश करें और बेखुसूस हुर्मत वाले महीने और ये महीना मुहर्रम वाला अपने आप को नेकियों का आदि बनाने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि हम गुनाहों से बच जाएं। और हो सकता है कि एक महीना ये कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से पूरा साल हमारी गुनाहों से हिफाजत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में अपने गुलामों को नेकियों की तरगीब दिलाई, गुनाहों से नफरत दिलाई और गुनाहों की नहुसत को बयान करते हुए अपने गुलामों को ये आगाह किया इस बात से कि गुनाह ऐसी चीज है जब तुम इसका इर्तिकाब करते हो परवरदिगार आलम की रहमत से दूर हो जाते हो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक वाक़िया कुछ फिर हदीस में आता है कि आपने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक खत लिखा, नसीहत आमोसा, बहुत सी और बातें भी थी और उनमें एक बात उम्मुल मोमिनीन ने यह भी लिखी कि अपने आप को गुनाहों से बचाओ और अपने आप को नेकियों का आदि बनाने की कोशिश करो, इसलिए कि जो गुनाहों से बचता नहीं परवरदिगार आलम उसको इस वबा में मुब्तला कर देता है, जो लोग उसकी तारीफ करने वाले हैं उन्हीं लोगों की जुबानों पे उसकी तोहीन आ जाती है, यानी वही उसके ऐबों का चर्चा करने लग जाते हैं जो उसे अच्छा समझते थे, तारीफ करते थे, तारीफ करने वाली जुबानें उसकी बुराई में मशहूर हो जाती हैं, जो अपने आप को गुनाहों से बचाता नहीं है। बल्कि तारीख की किताबों में एक वाक्य ये भी आता है कि जिस वक्त मुसलमानों ने कुबरस को फतह किया, हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के एक सहाबी हैं, इस जंग में शरीक थे, जब ये कुबरस का इलाका फतह हुआ हजरत जुबैर बिन नुफैर रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं
फरमाते मैंने देखा कि फतह के बाद हजरत मुदर्रा रजी अल्लाह तआला अन्हु तन्हाई पे बैठे हो रही थी। मैं हाजिर हुआ, अर्ज की, हुजूर आज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को अजीम फतह अता फरमाई, आज जो खुशी का दिन है और खुशी के दिन ये रोना कैसा? आपने इरशाद फरमाया कि ऐ जुबैर, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि रब ने कुबरस के रहने वालों को बड़ी फतूहात भी अता फरमाई, बड़ी नेमतें भी अता फरमाई, लेकिन इन्होंने रब की नेमतों की नाकदरी की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की। नाफरमानी का नतीजा ये निकला कि परवरदिगार आलम ने जिल्लत आमेज शिकस्त से दुचार किया, इनको इनके वतन और इनके इलाके से महरूम कर दिया। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मालिक जब नेमतें अता फरमाता है तो उस वक्त बंदे को चाहिए वो अपने माबूद का शुक्र अदा करे, उसकी नाफरमानी से बचे, नेकियां करे ताकि परवरदिगार आलम अपनी नेमतों से महरूम ना करे बल्कि नेमतों में इजाफा फरमाता चला जाए। पर यह तो कुरान और हदीस ने हमें बताया कि नेकी की तासीर आबादी है और बदी की तासीर बर्बादी है। गुनाह जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा नहुसत और बर्बादी होगी, और नेकियां जितनी ज्यादा होंगी आबादी की सूरत में नतीजा निकलेगा। वलौ अन्न अहलुल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। परवरदिगार आलम कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, अगर ये बस्तियों वाले तकवा इख्तियार करते, गुनाहों से बचते, नेकियां करते, इसका नतीजा क्या निकलता? दुनियावी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा, उखरवी भी अता फरमाएगा, अंजाम भी अच्छा होगा, लेकिन तकवा के बेशुमार फायदों में से इस मकाम पे एक फायदा भी बयान फरमाया, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, हम आसमान और जमीन से इनके लिए बरकतों के दरवाजे खोलते। जमीन से भी बरकतों का नुज़ूल होता, आसमान से भी बरकतें नाजिल होती और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जमीनों आसमान की बरकतों से मालामाल फरमा देता अगर ये तक्वा और परहेज़गारी की जिंदगी अख्तियार करते। लेकिन गुनाहों की जिंदगी अख्तियार की, वकम अहलकना मिन अल-क़ुरून मिन बादी नूह वकफा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। फरमाया तुम्हारे रब ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितनी बस्तियों को हिला कर दिया, क्यों हिला दिया? कफा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। फरमाया तुम्हारा रब बंदों के गुनाहों की खबर भी रखता है और उनके गुनाहों को देख भी रहा है। तो हिलाकत मुकद्दर हुई गुनाहों की वजह से, बरकतें ज़मीन और आसमान की मुयस्सर आती हैं तकवा और परहेज़गारी की वजह से। तो कुरान इस हकीकत की तरफ रहनुमाई कर रहा है, नेकी की तासीर आबादी है और बदी की तासीर बर्बादी है। अगर हम चाहते हैं हम इंफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे बर्बादी से बच जाए, आबादी की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें हमारे शामिल हाल हो, तो कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा है मजमूई तौर पे नेकियों के साथ प्यार करो, नेकियां करने की कोशिश करो और अपने आप को गुनाहों से बचाओ। हजरत हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद जाना साहब ने भी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बातें की है, फरमाते पहली कौमों पे जो अजाब आता था वो खस्फ व मस्क की सूरत में आता था। इसका मतलब ये है जब वो गुनाह करते नाफरमानियां करते उनको जमीन में तसा दिया जाता, उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाती। और कुरान बताता है कितने लोगों को बंदर बना दिया गया, कितने लोगों को खंजीर बना दिया गया। फरमाते हैं जो पहली लोगों पहली उम्मतों पे जिस्मानी अजाब गुनाहों की नहुसत की सूरत में आता, वो खस्फ व मस्क होता, जमीन में दसा दिए जाते, उनकी शक्लें बिगड़ जाती। इस उम्मत पे सरकार के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दो जिस्मानी अजाब उठा लिए हैं। पूरी उम्मत को जमीन में नहीं दसाया जाएगा, पूरी उम्मत की शक्लें नहीं बिगड़ेंगी, लेकिन हजरत हकीम उल उम्मत देखते हैं कि इस उम्मत पे रूहानी खस्फ व मस्क है। रूहानी खस्फ व मस्क क्या मतलब? फरमाते हैं पहले उनको जमीन में दसाया जाता था, पहले उनके चेहरे बिगड़ जाते थे, ये उम्मत जमीन में नहीं दसाई जाएगी, चेहरे और शक्लें इनकी नहीं बिगड़ेगी, लेकिन इन पर रूहानी अजाब आएगा। वो कैसे? फरमाते हैं वह पंच को अपने दादा हूँ बहुत सवार हूँ परवरदिगार आलम फरमाते हैं गुनाहों की कसरत की वजह से हम इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे, दिल उलट पलट हो जाएंगे, निगाहें फिर जाएंगी, इनको एहसास भी नहीं होगा कि ये गुनाह है,
ये नाफरमानी है और ये लगातार उन गुनाहों में लगे रहेंगे। हजरत हकीम उम्मत फरमाते हैं कि बहुत बड़ी सजा है कि बंदा गुनाहों में मुब्तला भी हो जाता है और तौबा की तौफीक से महरूम भी हो जाता है, उसे एहसास ही नहीं होता कौन सी जिंदगी गुजार रहा हो। और फरमाते हैं कि जिसको जिसके दिल को रब फेर देता है वो तीन नफूसों में मुब्तला हो जाता है। पहली, उसे इताअत में लज्जत नहीं आती। आज अपना जायजा लेके कहते नमाजों में सुकून नहीं आता, कुरान की तिलावत करने के लिए बैठे कई काम याद आ जाती है और कोई काम ना भी आए तो गलबा नींद का हो जाता है, नींद आ जाती है। और अगर मोबाइल लेके बैठे पूरी पूरी रात गुजर जाती है, नींद नहीं आती, वहां वक्त कैसे गुजर रहा है एहसास नहीं। और यहाँ अगर आधा घंटा तिलावत के लिए बैठा जाए तो आधा घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है। फरमाते हैं जब दिल उलट पलट हो जाते हैं, पहली नफूसत के इताअत और नेकी के लज्जत महसूस नहीं होती, दूसरी नफूसत ये कि गुनाह करते हुए खौफ महसूस नहीं होता। पहले जमाने में लोगों से गुनाह हो जाता तो परेशान हो जाते, बल्कि सरकार ने मोमिन की शान ही बयान की है कि मोमिन पर जब कोई उससे गुनाह हो जाता है वो ऐसे समझता है जैसे मैं पहाड़ के नीचे आ गया, पहाड़ उठ के गिरने वाला है, इतना बेचैन और बेकरार हो जाता है और फौरन तौबा करने की कोशिश करता है। और सरकार ने बोला मुनाफिक ये है, वो गुनाह को इतना हल्का और मामूली समझता है जैसे नाक पे मक्खी बैठी हाथ के इशारे से उसको रात दिया, वो मामूली समझता है। पर आज हमारी कैफियत क्या है, हम गुनाह करने के बावजूद गुनाह को कोई कुछ नहीं समझते, हम ये समझते कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि बाद लोगों की जुबान से कोई मुसीबत आने लगे पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह हुआ, जैसे पता चलता है कि सारी जिंदगी नेकियों में गुजारी है कोई गलती हो गई है, ये कहते हैं पता नहीं कौन सा गुनाह। कम तोड़ना हमारी आदत, कम नापना हमारी आदत, मिलावट करना हमारी आदत, रिश्वत खोरी का बाजार गर्म है हमारे मुआशरे में, हुकूक खाए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है, गीबत है, चुगली है, बोदान है, चोरी है, फसाद है हर तरफ, कहते हैं पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया है। हमारा तो सारा मुआशरा गुनाहों की आग में जल रहा है। हजरत हकीम उम्मत फरमाते हैं जब दिल बदल जाए, बदल दिए जाए उस वक्त फिर गुनाह करने के बाद खौफ महसूस नहीं होता। और तीसरा आपने फरमाया जब मुसलसल गुनाहों की वजह से दिल उलट पर हो जाते हैं तो दूसरों की मौत बंदे के लिए इबरत का जरिया नहीं बनती, वो दूसरों की मौत से भी इबरत हासिल नहीं करता। और आज हमारी कैफियत क्या है, जनाजा गाह में खड़े होकर लोग कहके लगा रहे होते हैं, कब्रिस्तान में खड़े होके अपने हाथों से मुर्दे को दफन किया जा रहा है और उस वक्त भी लोग अपनी बातों को सुन रहे हैं। हमें मौत उस वक्त भी याद नहीं आती जब अपने हाथों किसी को कब्र में ला रहे होते हैं। हजरत हकीम लोग फरमाते हैं कि जब दिल उलट पलट हो जाए फिर उस वक्त कैफियत भी हो जाती है, क्योंकि माह मुहर्रम इकराम का महीना है, इस्लाम साल का पहला महीना, गुरमत वाला महीना, कोशिश करते ये महीना ये दिन नेकियों में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है शुहदा करबला की याद भी आती और आनी भी चाहिए, वो हमारे मौसम है। इस्लाम की खातर उन्होंने बहुत अजीब शान कुर्बानी पेश की है, हजरत इमाम आदि मकाम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम मुहर्रम शुरू हो इमाम के इशारे सवाब के लिए, शुहदा करबला के इशारे सवाब के लिए कोशिश करें जब तक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक एक कुरान हर बंदा पढ़ ले और 10 मुहर्रम को शुहदा करबला की रूह को इशारे सवाब करने के लिए तोहफा पेश कर दें। इमाम को कुरान से इतनी मोहब्बत है कि दाढ़ करबला में है और सर नेजे की नोक पे है और इमाम उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहा और ये कैसी मोहब्बत है कि हमें इन 10 दिनों में भी कुरान खोलने की तौफीक ना हो, हम उनकी मोहब्बत का दावा तो करें नाम तो लें लेकिन काम सारे इमाम के हुक्मों के खिलाफ करें। दो किरदार है हमारे सामने, एक हुसैनी किरदार एक जजीदी किरदार, देखने और दरमियान में लकीर लगा के अपने आप को देख लें हम किस मकाम पे खड़े हैं। इमाम वो है जिन्होंने कभी नमाज कज़ा नहीं की और आज हमें नमाज की परवाह नहीं है। इमाम वो है जो हर वक्त कुरान की तिलावत करते थे, हम कुरान खोलने की तौफीक से महरूम हैं। इमाम ने हर बुराई का कला कमा किया है, हम बुराइयों के कुकर और आदि हैं। जजीदी किरदार को सामने रखें, जितनी बुराइयां उसमें थी वो सारी आज हम में हैं और दावा मोहब्बत इमाम आदि मकाम का है। तो हमें गौर करना चाहिए क्या इमाम की सीरत और इमाम के नक्शे कदम पर भी चल रहे हैं।
इमाम वो है, हमें तो मस्जिदों में आने की तौफीक नहीं होती, पर इमाम वो है जिनके घर का दरवाजा खुलता ही मस्जिद नबवी सरदार का विसाल हुआ। इमाम की उम्र 6 साल है, 6 साल की उम्र में इमाम आली मकाम सरकार से हदीस रिवायत कर रहे हैं। हमारे 6 साल के बच्चे को बोलना भी नहीं आता, हमारा बच्चा 10-12 साल का हो जाए उसको कुरान देख के पढ़ना नहीं आता, और इमाम की सीरत बचपन में ये है, 6 साल की उम्र में सरकार का विसाल हो जाता है। जब सरकार दुनिया से गए, इमाम अली मकाम की उम्र 6 साल, इमाम हसन की उम्र 7 साल, 1 साल का फर्क है। इस उम्र में वो सरकार की हदीसें रिवायत कर रही है, सरकार की हदीसें उम्मत तक पहुँचा रहे हैं। दीन के साथ ये शफ़क़त है, ये मोहब्बत है, हमें भी अपना किरदार का जायजा लेना चाहिए। हम दीन के साथ कितने मुखलिस हैं, सिर्फ नारे लगा देना। पर दूसरी बुराई ये भी है, जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है हमारे बहुत से नौजवान नोहे डाउनलोड करके सुनना शुरू कर देते हैं, समझने बड़ी नेकी है। और ज़ालिमों अगर सुनते ही हो तो कुरान सुनो, कुरान पढ़ा जाए तो वो भी सवाब, कुरान सुना जाए तो वो भी सवाब। जिस काम में तुम लग गए हो, ये कौन सा काम है? सरकार का वाज़े फरमान बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, सरकार ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन बरबर कुदूद व शक्कल वुजूह वदअअ बिदार जाहिलिया। सरकार ने फरमाया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं जो अपना गरेबान फाड़े, अपने नुकसान पीटे, ये मातम करे और इस तरह जाहिलियत के बोल बोले, ये दुआ खाली करे और इस किस्म का अंदाज अख्तियार करे। सरकार फरमाते उसका हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। जिस अमल को सरकार इतना नापसंद करवा रहे हैं, आज हमारी अक्सरियत उसी के आदमी, टैलेंट के नाम करो वही मुसीबत, अखबार तो देखो वही मुसीबत, बाहर निकलो हर तरफ वही मुसीबत। और हमारा नौजवान समझता है कि भी इमाम के साथ मोहब्बत का इतकाजा है, हालांकि इमाम करबला में जब जाम शहादत दर्ज करने के लिए जा रहे थे तो इमाम ने आले खाना को आखिरी नसीहत की वसीयत की, उस इमाम ने यह फरमाया था, मेरी शहादत के बाद वावेला नहीं करना, मेरी शहादत के बाद गरेबान नहीं फाड़ना, मेरी शहादत के बाद मातम नहीं करना, सीधा को भी नहीं करना, और मेरी शहादत के बाद ये नहीं कहना कि हिलाक हो गए, बड़ी मुसीबत आ गई है, बल्कि हमेशा सब्र और शुक्र का मुजाहरा करना। इमाम ने तो ये पैगाम दिया है, और आज इमाम के नाम पे क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं। मैं कायनात में सबसे बड़ा गम का वो मौका था जब अल्लाह के महबूब दुनिया से तशरीफ ले गए, और शिया मजहब की मोतबर किताब है नहजुल बलागा, नहजुल बलागा के अंदर हजरत सैयद अली करमल्लाहु वजहहु करीम के अकवाल और इरशादात शिया उलमा ने जमा किए हैं। नहजुल बलागा का हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला का एक मुबारक और मैं लिख के लाया हूँ। फरमाते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला लौला अन्नका अमरता बिस्सब्र, अगर सरकार ने हमें सब्र का हुक्म न दिया होता, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अगर हमें सब्र का हुक्म न दिया होता, वला हैता अलिल जज़ और सरकार ने जज़ा मज़ा ये बैन करना, लुहा खाली करना, ये पीटना, ये मातम करना, ये बेसब्री करना, ये जाहिलियत के बोल बोलना, अगर सरकार ने हमें मना न किया होता, हज़रत मौला अली फरमाते हैं ला अनफ़तना अलैका मा उशरून, हम अपनी आंखों के जो आंसू है इनका जखीरा सरकार के विसाल पर खत्म ही करते, इतना रोते महबूब के विसाल पे कि आंखों के आंसू खुश्क हो जाते और आयता रोने के लिए आंखों में आंसू ही न रहते। लेकिन सरकार ने हमें मना फरमाया है, सरकार ने सब्र का हुक्म दिया, सरकार ने जदा मजा बेसब्री से हमें मना किया है। रब के महबूब दुनिया से जाए, हजरत मौलाना कायनात उम्मत को ये सबक दे, ये सबक किसने दिया कि सरकार का नवाजा जाए और सदियों के बाद तुम्हारे बदतमीजी करवा कर दो। ये न इमाम की तालीम है, न कि कुरान और हदीस की तालीम है। कुरान और हदीस की तालीम के अंदर जिक्र खैर करो, उनकी जुर्रत और बहादुरी को बयान करो, दीन पर उनकी इस्तेकामत को बयान करो, कुर्बानियों से सबक सीखो कि वो इतने ऊँचे खानदान के होकर दीन के खातिर इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम दीन के खातिर इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने अपना वतन छोड़ा, जान कुर्बान की, हम तो अपना वक्त दीन को देने के लिए तैयार नहीं। मस्जिद में अजान होती है, मस्जिद में मीरान,
जो बात खड़ी हुई थी दो चार पाँच छह आ जाते हैं, बाकी पूरा मोहल्ला आबाद है, अल्लाह का घर की रात है। हम तो वक्त नमाज को वक्त नहीं दे सकते। इमाम की सीरत और इमाम का पैगाम हमारे लिए ये है, मस्जिदों से मोहब्बत करो, नमाज से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, दीन की खातर कुर्बानी दो, सब्र और इस्तेकामत का मुजाहिरा करो। और अगर दीन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए, फिर जान और माल की कुर्बानी देने का अगर वक्त आ जाए, उस वक्त पसो पेश न करो, बल्कि मेरी सीरत और मेरा किरदार तुम्हारे सामने होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मरकज़े नूर पे अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इमाम आले मुकाम रज़ियल्लाहु तआला की हालात इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मत मुबारक को आपके हालात वाक़यात के मुताबिक गुफ्तगू होगी। परवरदिगार आलम इमाम की सीरत की पैरवी की तौफीक अता फरमाए।